Please subscribe to my channel by clicking the subscribe button and hit the bell icon also so that you won't miss my future videos. वेलकम बैक टू माई चैनल. तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माई फेवरेट पार्टी वेयर एंड ऑफिस वेयर लिपस्टिक्स. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी फेवरेट लिपस्टिक से और वो है मैक की लिपस्टिक इन द शेड ऑल फायर्ड अप. बहुत ही सुंदर पिंक कलर है और बहुत ही प्यारा लगता है लगा के और ये हर एक स्किन टोन के लिए काफ़ी परफेक्ट कलर है, काफ़ी सुटेबल है. एंड मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का है, ये देखिए. और इसको अगर आप एवरीडे मेकअप में भी यूज़ कर रहे हो या पार्टी वेयर मेकअप में यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही प्यारा लगता है. एंड इसका जो टेक्सचर है वो मैट टेक्सचर है लेकिन आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा. एंड ये येलो कलर की ड्रेसेस के साथ, पीच कोरल कलर की ड्रेसेस के साथ बहुत ही सुंदर लगता है ये कलर. तो नेक्स्ट लिपस्टिक है मेबेलिन की क्रियॉन लिपस्टिक इन द शेड मैग्नेटिक मरून. बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है इंडियन स्किन टोन के लिए. एंड इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी टेक्सचर है तो लिप्स का ड्राई होना तो बनता ही नहीं है. एंड ये ऑफिस के लिए, पार्टी वेयर के लिए काफ़ी परफेक्ट कलर है. एंड इस टाइम मैंने यही लिप कलर जो है अप्लाई किया है तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक ड्रेस के साथ भी बहुत ही अच्छा लग रहा है. एंड इसकी स्टेइंग पावर भी काफ़ी अमेजिंग है. बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा डल कलर भी नहीं है तो काफ़ी अच्छा कलर है ये. तो या और काफ़ी अफोर्डेबल होती है मेबेलिन की लिपस्टिक. सो अगर आप भी इसको परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. ये कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी स्टोर्स में आपको इजीली अवेलेबल होती हैं. तो या ये थी मेरी सेकंड लिपस्टिक. थर्ड वन इज़ दिस डायोर लिपस्टिक. इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही सुंदर है, ये देखिए. और इसमें मेरी शेड है अल्ट्रा मैट एंड द शेड नंबर इज 545. बहुत ज़्यादा सुंदर ऑरेंज कलर है और ये हर एक स्किन टोन के लिए काफ़ी सूटेबल है. कहते हैं कि जो ऑरेंज कलर होता है वो सिर्फ मीडियम और फेयर स्किन में ही सूट करता है लेकिन आई थिंक ये डस्की स्किन टोन में बहुत ज़्यादा सूट करता है क्योंकि एक जो एक्ट्रेस है एरिका फर्नांडिस जो टीवी सीरियल एक्ट्रेस है टोन पे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी. तो आई थिंक ये डस्की कॉम्प्लेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इसकी जो स्टेइंग पावर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. 6 to 7 hours ये इजीली निकाल देती है और अगर आप खाते हो बीच में या कुछ भी पी रहे हो तो भी ये बिल्कुल फेड नहीं होगी. इसका सा कलर जो आपके लिप्स पे रह जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है. पार्टी वेयर लिपस्टिक है और ये अगेन आपके अगर इसी कलर का आपका सेम आउटफिट है उसके साथ ही बहुत ही अच्छी जाएगी. ब्लैक कलर का आउटफिट है उसके साथ ही काफ़ी अच्छी लगेगी. एंड जो न्यूली मैरिड गर्ल्स होती है उनके लिए ये कलर बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि उनको ऐसे डार्क कलर, बोल्ड कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं. इज दिस पॉबी ब्राउन लिपस्टिक इन द शेड पिंक गुआवा. बहुत ही प्यारा पिंकिश ऑरेंज कलर है, ये देख सकते हैं आप. एंड इसको लगाने के बाद फेस एकदम से ब्राइटन अप हो जाता है, बहुत ही अलग सा कलर आता है फेस. इनकी जो स्टेइंग पावर होती है काफ़ी अच्छी होती है एंड ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है लेकिन हमारी मेकअप कलेक्शन बॉक्स में इस तरह की लिपस्टिक होनी चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें डिनर में जाना होता है या किसी की शादी अटेंड करनी होती है तो हम नहीं चाहते कि हम अपनी रेगुलर बेसिस की लिपस्टिक ही यूज़ करें. हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी ऐसी लिपस्टिक मिले जो लॉन्ग लास्टिंग भी रहे, थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, थोड़ी सी डिफरेंट लुक देती है तो काफ़ी अच्छी होती है. तो इसे आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप लिपस्टिक के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन में हो कि आप कौन सी लें कौन सी ना लें. तो ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है बॉबी ब्राउन. मेरे पास है ये एलिजाबेथ आर्डन की रेड कलर की लिपस्टिक और इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी टेक्सचर है और रेड लिपस्टिक तो ऐसी लिपस्टिक होती है कि अगर आप इसको मिनिमल मेकअप के साथ भी यूज़ करते हो या आप विदाउट मेकअप भी इसको लगाते हो तो ये काफ़ी अच्छी लगती है. आपके फेस को एक अलग सा लुक देता है और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है आपका फेस इसको लगा के. और ये जो रेड लिपस्टिक होती है ये हर कॉम्प्लेक्शन पे वर्क, किसी भी कलर का आउटफिट पहना है सभी पे ये बहुत ही अच्छी लगती है. नेक्स्ट वन इज दिस लॉरेल की प्लम टक्सीडो शेड की लिपस्टिक. बहुत ही सुंदर प्लम कलर है और आजकल वैसे भी काफ़ी ट्रेंड में है ये पर्पल कलर, आप देख सकते हैं. एंड ये हर एक इंडियन स्किन टोन के लिए सुटेबल है ये कलर. कोई भी इंडियन स्किन टोन की गर्ल इसको वेयर करती है तो काफ़ी
प्यारी लगेंगी और काफ़ी अच्छा लगता है ये कलर, या आपके कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए या पार्टी वेयर के लिए भी ये काफ़ी सूटेबल कलर है। हर एक फंक्शन में आपके चलेगा ये कलर, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, ऑफिस ही जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो हर एक में ये कलर जाएगा। नेक्स्ट वन इज दिस लैक्मे 9 to 5 लिपस्टिक। बहुत ही सुंदर न्यूड शेड है और ये आपके ऑफिस के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर है और हल्की सी शाइनिंग देती है आपको जब आप इसको अप्लाई करो, थोड़ी सी शाइनी लिपस्टिक है। एंड कई बार क्या होता है कि हमने बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप किया होता है, तो उसके साथ अगर हम इस तरह की न्यूड शेड्स अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, हमारा फेस का जो पूरा मेकअप है बहुत ही अच्छा लगता है। एंड कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक पसंद नहीं होती है, तो वो न्यूड शेड की लिपस्टिक ले सकते हैं। ये जो लैक्मे की लिपस्टिक्स होती है काफ़ी अफोर्डेबल होती हैं और हर जगह अवेलेबल होते हैं, लैक्मे के प्रोडक्ट्स तो इजीली अवेलेबल भी होते हैं ये। इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी मैट टेक्सचर है एंड स्टेइंग पावर इज़ टू गुड। एंड मुझे ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं इसको ऑफिस के लिए यूज़ करती हूँ, तो ऑफिस के लिए काफ़ी अच्छी शेड है, बिल्कुल सोबर सी शेड है। तो या ये थी मेरी लास्ट लिपस्टिक। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी फेवरेट लिपस्टिक कलेक्शन। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।